सत श्रीकाल एवरीबडी, होर की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए। आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा, हम गए थे रोहतांग पास में, और रोहतांग पास पे वहाँ पर हमने बहुत फन किया। और आज हम रोहतांग पास से वापस जाएंगे फॉक्सर गांव, फॉक्सर वाटरफॉल तक। हम आपको दिखाते हैं, चलो देखो कितना अच्छा रोड है। ये बहुत ही अच्छा व्यू है, यहाँ पर बहुत ग्रीन एरिया है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी सड़कें बनी हुई है, नई बनी है बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर रास्ते में बहुत सारा बर्फ वाले पहाड़ भी दिख रहे हैं, वो देखो बर्फ वाला पहाड़। ये सारी सड़कें नई बनी हुई हैं, बहुत ही अच्छी सड़कें। जो हम यहाँ से रोहतांग पास से खोक्सर वाटरफॉल तक जाएंगे आज की वीडियो में। ये पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी वाला है और बहुत ही अच्छा है। तो जहाँ पर आसपास सारा खेती वाला एरिया, काफ़ी ज़्यादा खेती होती है। और जहाँ पर रोड के साथ साथ वो नीचे सामने दिख रहा है, वो चिनाब नदी है, वो साथ साथ चलेगी काफ़ी दूर तक। चिनाब के एक साइड हम रोड है बना हुआ, इस पर ही हम जाएंगे खोक्सर पॉइंट तक। और उससे अगली वीडियो में हम खोक्सर से सिसु लेक तक जाएंगे, वो भी चिनाब के किनारे पर ही बनी हुई है। बहुत ही अच्छा व्यू है, ग्रीन है, सारा एरिया खेती वाला है। और जो भी आपने मनाली वाली वीडियो देखी है, सभी में हम ऊपर ही रहे हैं, नीचे नहीं आए कभी, पहाड़ के ऊपर ही रहे। और जहाँ से ये हम अब पहाड़ के नीचे ये पहाड़ से उतरेंगे, लगातार नीचे जाएंगे घूम कर। और इस सड़क से एक रोड शिमला की ओर भी निकलता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कहाँ से निकलता है। इस रोड से आगे जाकर वो शिमला तक जाएगा, वहाँ से शायद 500 प्लस है शिमला वो। और वो कच्चा ही रोड है, पत्थरों वाला ही रोड है। वो ज़्यादातर जो लोग ऑफ रोडिंग पसंद करते हैं, वो उस पर चलते हैं। और हिमाचल प्रदेश की एक सरकारी बस भी वहाँ उस रोड पर चलती है, जब तक कि रोड वो क्लोज नहीं होता। ये देखो आगे बकरियाँ आ गई है, ये देखो गाड़ी रोकनी पड़ी है। ये पहाड़ों पर पता नहीं कहाँ रहते होंगे ये बहन, के साथ एक तो कुत्ते भी हैं, वो भी बकरियों जैसे ही बने हुए हैं। और वो जो रोड जहाँ से शिमला को निकलता है, वो ऑफ रोडिंग वाले पसंद करते हैं। वो ऑफ रोड जहाँ से शिमला तक जाते हैं 500 किलोमीटर से भी ऊपर पड़ता है, और जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है तो वो रोड बंद हो जाता है। हाँ, हिमाचल प्रदेश की एक सरकारी बस वहाँ जाती है, हर रोज़ एक चक्कर लगाती है। वो शायद एक तरफ जाती है और वो एक तरफ से आती होगी शायद, इसी तरह कुछ बताया हमको गाइड ने बताया था। वो सारा कच्चा ही रास्ता है, वहाँ पर ज़्यादातर 4x4 गाड़ी जाती है, जो एंडेवर फॉर्च्यूनर वगैरह या थार वगैरह वाली जाते हैं वहाँ पर ऑफ रोडिंग करने के लिए। ये देखो कितनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी सड़कें हैं। सामने पहाड़ का कितने अच्छे पहाड़ दिख रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी ग्रीन, काफ़ी ग्रीन पहाड़ हैं। ये सारे पहाड़ काट काट कर नई सड़क बनाई गई है। वो सामने वाटरफॉल भी आ रहा है, एक ये कोई छोटा सा वाटरफॉल है, बहुत अच्छा, जहाँ पर भी काफ़ी लोग रुक कर फोटो वगैरह खींच रहे हैं। बहुत ही अच्छी सड़क है, यहाँ पर ये देखो जहाँ से वो रोड निकलता है,
जो जहाँ 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 से राइट हैंड साइड वो जहाँ से रोड निकलेगा वो देखो, वो जा रहा है नीचे को, वो ग्रेवल रोड है, पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे सड़क नहीं बनी हुई, पत्थर जरूर पड़े हुए हैं वहाँ पर। और वो जहाँ से शिमला तक चलता है चिनाब नदी के किनारे किनारे, जहाँ पर भी वाटरफॉल है, बहुत अच्छा व्यू है, काफ़ी लोग जहाँ पर रुक कर भी फ़ोटो खींच रहे हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम तो आगे मेन पॉइंट पर ही रुकेंगे, जहाँ से हम ब्रिज चिनाब नदी को क्रॉस करेंगे दूसरी और जाएंगे, ब्रिज बना हुआ है, और पर जहाँ पर हम रुकेंगे वहाँ पर मिलिट्री वालों का कैंप भी है काफ़ी बड़ा सा, और जहाँ पर एक दो चाय वाले ढाबे भी है, वहाँ पर अदरक वाली चाय मिलती है और मैगी मिलती है, और तो ज़्यादा कुछ नहीं जहाँ पर मिलता है, मैगी और आमलेट जरूर मिल जाता है हर जगह, जहाँ अदरक वाली चाय मिल जाती है। देखो कितनी अच्छी सड़क है, ये देखो कि पहाड़ कितने, दूसरी ओर भी पहाड़ कितने कितने बढ़िया दिख रहा है, ये अच्छा, ये बर्फ भी से नीचे गिरी हुई है, वो सामने पड़ी हुई है, वो दिख रही है चिनाब नदी, और हम जहाँ अपने स्टॉप पर पहुँचने ही वाले हैं बहुत जल्दी, वहाँ पर हम कुछ देर रुकेंगे, गाड़ी से नीचे उतरेंगे, बाथरूम वगैरह जाएंगे और चाय पानी पियेंगे, थोड़ा चाय बहुत स्वाद होती है पहाड़ों में, अदरक वाली है, सड़क बहुत अच्छी है यहाँ पर भी, कि हम पहुँच गए हैं, ये टेंट वगैरह लगे हुए हैं लोगों के, और वहाँ आगे ये गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं, छोटे छोटे यहाँ पर ढाबे तम ढाबे टेंट के बीच में बने हुए हैं चाय वगैरह लेने के लिए, ये इसे खासकर वाटरफॉल है यहाँ पर, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी ऊपर से आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है उसकी, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मौसम है यहाँ पर, पूरी ठंड है, पूरा बर्फ़ वाला पानी है और पूरी ठंड लगती है जहाँ पर, ये देखो ये वाटरफॉल है सबूज खोक्सर वाटरफॉल पॉइंट, और ये देखो, ये देखो पानी कितनी तेज जा रहा है, वो ये आगे वो चिनाब नदी है उसमें मिल जाएगा, आगे से आगे जितना भी पहाड़ों पर से पानी आता है वो चिनाब के बहुत ठंडा पानी आता है, मिलता जाता है और आगे जम्मू कश्मीर होते हुए वो पाकिस्तान को निकल जाता है, ये हम यहाँ पर उतर कर फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं, ये कन्वर भी फ़ोटो ले रहा है अपने वाटरफॉल के साथ, ये हमने फ़ोटो वगैरह ली, और हम यहाँ से अब आगे चल पड़ेंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए, और टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।